नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार एक तरफ जहां सरकारी स्कूल का कायाकल्प करने पर जुटी है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दे रही है, वहीं प्राइवेट स्कूलों पर भी नकेल कस रही है। नए शैक्षणिक सत्र में मन मर्जी करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर अब शिक्षा विभाग ने शिकंजा कस दिया है। विभाग ने साफ किया है कि कोई भी स्कूल अभिभावकों को स्कूल के अंदर से यूनिफॉर्म और किताब कॉपी लेने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा। इसके अलावा स्कूल वाले रेगुलर छात्रों के एडमिशन फीस भी बार बार नहीं ले सकेंगे। विभाग ने यह भी साफ किया है कि यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित स्कूल की मान्यता रद्द कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विभाग की ओर से सभी जिले के स्कूलों को इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक नए सेशन शुरू होने पर प्रदेश ज्यादातर प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मन मर्जी कर रहे थे और अभिभावकों पर दबाव बनाकर बुक्स के साथ साथ यूनिफॉर्म दे रहे थे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि कोई भी स्कूल अभिभावकों को जबरन छात्रों की स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के लिए विवश नहीं कर सकता। अभिभावक की जहां से मर्जी होगी वो वहां से यूनिफॉर्म और स्टेशनरी ले सकेंगे। इसके साथ ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले नियमित छात्रों का बार बार एडमिशन नहीं लिया जा सकेगा। विभाग ने इसकी जांच के लिए सरकारी स्कूलों के सीनियर प्रिंसिपलों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि लगातार स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और जहां पर भी कोई शिकायत पाई जाती है जांच के बाद उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।